अरे दबा के बम लगाया है इसमें, धड़का मचा देगा। नमस्कार दोस्तों, संधु के व्लॉग, संधु एग्रो फार्म और इंडियन फार्म रोवर की फैमिली की तरफ से आप सारे भाइयों को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज दशहरा है और आज जैसे कि हम छोटे में रावण बनाते थे, तो आज हमने अपने फार्म पे छोटा सा रावण बनाया है और बहुत सारे पटाखे हम इसके लिए अभी लेकर आए हैं। तो मैं कहा पहले जैसे छोटे में हम बनाते थे ना, वैसे ही एक छोटा सा रावण बनाते हैं। और काफ़ी भाई ऐसे हैं कि शायद मेले में नहीं जा पा रहे होंगे या फिर रावण जलते हुए देखकर नहीं जा पा रहे होंगे, तो उन भाइयों के लिए वीडियो है ये। और बड़ा प्यारा रावण, दो दिन लग गए इसे बनाने में और बस इसे तैयार है ये। पीछे देख सकते हो तो टांगे हैं उसकी और वो है नीचे का उसका पैंट कमीज है और ऊपर धड़ है, धड़ भी है ऊपर। तो असेंबल करना है बस उसको, पूरा प्रोसेस दिखाएंगे आपको। और बम भी हम ठीक ठाक लेकर आए हैं, बड़ी मुश्किल से मिले हैं क्योंकि दिवाली के टाइम पे बम मिलते हैं हमारे यहाँ, अभी नहीं मिलते, पर हमने जुगाड़ करके बम अरेंज कर लिए हैं बहुत सारे। तो चलो फटाफट इसको असेंबल करके दिखाएंगे आपको। तूर में आए, देखो अभी बहुत सारे बम लेकर आए हैं हम। ये देखो हमने तीन पार्ट बनाए, पैर हैं इसके और ये ऊपर का इसकी फ्रॉक है और इसके ऊपर आएगा इसका धड़, धड़ वहाँ रखा हुआ है, सूख रहा है, ठीक है। अभी हम इसके अंदर, कैमरामैन अंदर दिखाओ, इसके अंदर देखो अभी हमने बम लाने शुरू करे हैं और सारा कचरा है इसके अंदर, ठीक है। बुलेट बम लगा रहे हैं एक करके, और दोस्तों जब ये फटेंगे एक साथ फटेंगे, बहुत सारे लगा दिए एक पैकेट। और अगर कोई भाई बोले कि पोल्यूशन करोगे तो इतना पोल्यूशन नहीं होगा, इनमें से ग्रीन क्रैकर्स हैं वैसे भी ये, ठीक है। और हमारा तो इतना करेंगे, हाँ हमारा साल में आता है त्योहार तो हम तो करेंगे, ठीक है। किसको बुरा लगता है तो उसके लिए सॉरी भाई। ले आए धड़, ले आए भाई, ये सब रेडी करा है, धड़ असेंबल कर रहे हैं हम। थोड़ा हटके दिखाना, पीछे होकर दिखाओ कैसा है, थोड़ा स्ट्रक्चर दिखाओ। हाँ ये देखो, और बहुत मेहनत लगी है, दो दिन लगे हैं इसे बनने में क्योंकि दीदी की छुट्टी थी ऑफिस की, तो ये सब दीदी ने बनाया है। पापा ने भी हेल्प करी है और उन्होंने भी हेल्प करी है, मेन कारीगर हमारे वहां से आए हैं। आराम से टूट ना जाए, देखो उखाड़ दिया हाथ इसका, उखाड़ दिया भाई हाथ, उखाड़ दिया। लग तो सुंदर रहा है वैसे दूर से, थोड़ा टेप लगानी पड़ेगी क्या, थोड़ी टेप से इसमें सपोर्ट देनी पड़ रही है क्योंकि असेंबल में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। अरे इसमें तलवारी लगा देते ना पूरी, ये हम मेले से लेकर आए थे भाई। वाह भाई, क्रिएटिविटी तो पूरी है हमारे घर में, अच्छा बनाया है। अभी आप देख पा रहे होंगे, अच्छा इसमें कितना खर्चा आया होगी बनाने में इसको, बम तो ये 1000 रुपए के हैं लेकिन वो बाकी खर्चा मेरे पास पहले से ही रखा था, तो इसमें पता नहीं। 100 रुपीज में, मतलब 1100 रुपए में रावण तैयार, और अपनी मेहनत अलग। हाँ इसमें रखो सुतली बम, रखो सुतली बम, नहीं नहीं ये एंड में जलेगा, सर में देखो, सर में रख दिया हमने यहाँ पे को, इनके इसके सिर में और गिर गए, है ना, मैं वही कह रहा हूँ। कुछ करना पड़ेगा टेप से, ये नीचे यार तुमसे ना ढंग से स्ट्रक्चर बना नहीं, इसका मैंने समझाया था, मगर थोड़ी सी गर्दन टेढ़ी हो गई है क्योंकि एक तरफ सर ज़्यादा है एक तरफ कम है, ठीक है ना। लेकिन कोई बात नहीं, इसका इक्विलिब्रियम हम अभी सही कर देंगे। और बाकी कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है ये। अब देखो मेघनाथ और कुंभकर्ण तो नहीं बना सकते इतने कम टाइम में, ये डेढ़ दो दिन के अंदर बना है ये। आपने कितने साल बाद बनाया है सर रावण? छोटे बनाया था जब, शायद बहुत छोटे थे, 6th क्लास में था शायद, मतलब व्लॉग के लिए करना पड़ता है, कोई बात नहीं, एक इधर की साइड से लगा दे, जरूरत नहीं है, हो गया। ये लगा दिया देखो, तैयार हो गया, ये झुक क्यों रहा है आगे को थोड़ा सा, रुक जा रुक जा, ढंग से लगाया नहीं इन्होंने, अब लगेगा ये। चलो टेप लेकर आ, बम ऊपर चिपकाएंगे इसमें, सर पीछे को कर देखो, वैसे सर बुरा नहीं लग रहा, कैसा लग रहा है आगे आकर देखना, बढ़िया। देखो ये पूरा अपना रावण तैयार हो गया है, अब मैं आपको ये बम लगा के दिखाएंगे आपको। मोटे मोटे बम ना इसके ऊपर चिपका दो, कैसे चिपकाओगे, यहाँ चिपका दो यहाँ यहाँ, अरे वजन तो वैसे बतेरा है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, पर सुंदर लग रहा है भाई, मजा आ गया। हाँ लटकाओ उसको, जैसे मशीन गन की गोलियां नहीं होती वैसे, हाँ 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 ऐसे ही। दूसरे भी खोलो, 300 वाले लाए हैं, इससे बड़ी मिली नहीं है तो लोकल ब्रांड में, लेकिन चलेगी। हाँ आ जान दे, बस एक
अब बम चिपका दो, बुलेट बम चिपका दो उसके ऊपर, बहुत सारे ये बुलेट बम होते हैं, बहुत प्यारे बम होते हैं ये, आवाज़ ज़्यादा नहीं होती इसकी। बन गया ऑलमोस्ट, ये बम अंदर इतने ज़्यादा डाल नहीं पाए क्योंकि ज़्यादा डालेंगे तो ये फट जाएगा और सारे बम इधर उधर हो जाएंगे और वो किसी काम के नहीं रहेंगे। देखो इनके सर होलो हैं, इनके सब में एक एक बम डल रहा है। बम की कमी मत रखो यार, मजा तभी जब बम ठीक ठाक फटेंगे इसमें, तब आएगा मजा। अरे वो जो इतने बड़े बड़े मेले में होते हैं उसे कितनी देर लगती है जलने, कुछ पेंसिल फट भी जाती है कुछ अपने। हाँ तभी तो पेंसिल लाया हूँ मैं, फटने के लिए तो लाया हूँ। तलवार पे लगा दूँ? हाँ तलवार पे पेंसिल लगा दो, गिर जाएगी तलवार। बस और पेंसिल इनकी सर पे भी लगाओ एक। नहीं ये ठीक है। टाइम हो गया है, अब इसको जलाएंगे और पेंसिल है, पेंसिल जलाएंगे। उल्टी कर रहे हो क्या? उल्टी कर रहे हो? उल्टी कर रहे हो? हाँ चांदी की साइड से है, उल्टी जला रहे हैं। एकदम छोड़ देना, पर हाथ में फट भी जाती है ये। पेंसिल जला रहे हैं, बम तो बहुत सारे लगाए हैं, देखो कितने फटते हैं। रख दो उधर नीचे। ये लग गई रावण में आग। दोस्तों देख सकते हैं रावण का ओ इसमें आग लगा दो मॉडल थोड़ा सा खराब हो गया, पर कोई बात नहीं। सर को लग रहा अलग से जाना पड़ेगा। दो दिन की मेहनत पल में जल के राख। अरे बम बैस में छोड़ दो। चलो जी बढ़िया, थोड़ा सपोर्ट लेना पड़ रहा है गेट का, कभी एक आध बम मुंह पे आके लगे। अरे जो बाकी जो बच्चे होंगे वो कर देंगे बाद में। पापा मोटा बम रह रहा है, तो जोशीला मत बना करो ज्यादा। अरे हट जाओ,
दो दिन की मेहनत पल में खत्म हो गई, देखो। खत्म खत्म, चलो अभी है, पर एक बम है इसमें, एक बम है, मोटा वाला रह रहा है। विकास इस सुतली बम डाल दे इसमें। हाँ यार, पैरों में आग गलत लगाई। बम को थोड़ा सा अंदर, बुलेट बम भी फटे हैं इसमें, मोटे वाले बम नहीं फटे। चलो कामयाब बराबर, बहुत बढ़िया। ये था छोटा सा व्लॉग हमारा, रावण फूक चुका है, टाइम हो रहा होगा शायद 6-7 बज रहे होंगे, 6 बजने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।